दिखाई देने लगा कि हाँ स्टेशन एक पूर्ण रूप से तैयारी की तरफ चल रहा है। तो इस टाइम आप देख रहे हैं ये डेवलपमेंट है कि पीछे पटरी बिस्ती हुई आ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल, एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं हूं NH 58 पर, जहां पर बन रहा है हिंदुस्तान का पहला रीजनल रैपिड रेल यानी RRTS मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली टू मेरठ। तो मैं हूं इस टाइम NH 58 पर और आज मैं आपको ले चलूंगा यहां से गाजियाबाद तक। तो शुरुआत करते हैं, मैं हूं इस टाइम मेरठ साउथ स्टेशन से, अपने सफर को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर काफी चेंज हो चुका मेरी पहले वीडियो के मुकाबले। पहले जब मैं आया तो यहाँ पर इतना काम नहीं था, और काम था भी तो वो कुल जैसे आप ये दो पिलर्स के बीच में ही काम हुआ हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर कम से कम 6 से 7 पिलर्स के बीच में काम हुआ हुआ है और हर एक पिलर्स के ऊपर बीम पड़ चुके हैं और ऊपर लेंटर पड़ चुका है। करीब 200 मीटर का स्टेशन है ना ये? हाँ वो दूर तक है जहाँ तक दिया, तो ये करीब 200 मीटर का स्टेशन है। तो दोस्तों अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर दो पिलर्स भरे हुए हैं और कितने सॉलिड जबरदस्त कंक्रीट के पिलर्स भरे हुए हैं, और अगर आगे की तरफ को चलो तो देखिए ऊपर वर्क हो रहा है और यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से चेंज है जो मुझे देखने को मिल रहा है। पहले वीडियो के मुकाबले काफी चेंज देखने को यहाँ पर मिल रहा है और ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऊपर देख रहे हैं आप लेबर्स काम कर रही है। और दोस्तों यह जैसे स्टेशन होने वाला तो यहाँ पर डबल ट्रैक रहेगा, तो डबल ट्रैप करेगा तो यहाँ पर लोड बहुत ज्यादा होगा, तो सॉलिड बेस बनाया जा रहा। और अगर आप सामने आप देख रहे हैं जैसे, तो यह लंबा स्टेशन है और वर्क इधर की तरफ को बढ़ता हुआ जा रहा। चलिए हम भी बढ़ाते हैं अपने कदम आगे की तरफ। मेरठ साउथ स्टेशन से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही हमें सामने दिखाई दे जाता है मालगाड़ी ट्रैक। जो मालगाड़ी ट्रैक को ये हमारा RRTS ट्रैक है, ये इसके ऊपर से जाएगा, मालगाड़ी ट्रैक के ऊपर से, वो पीछे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर से भी जाएगा और यहाँ पर ये मालगाड़ी ट्रैक के ऊपर से भी जाएगा। तो चल के देखते हैं यहाँ क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, हाँ मैं एक चैनल चलाता हूँ इसके, राकेश तोमर घुमक्कड़ के नाम से। तो ये जो लेबर आपकी है ये किस पर्पज के लिए है? ये पिचिंग, इसको एक्चुअली क्या होता है, जितने भी ब्रिज होते हैं जी, जिसके साइड में पिचिंग होती है जी बोल्डर्स की, जिससे कि ये इसको स्ट्रेंथ, जिससे कटाव ना हो बारिश के टाइम में। ठीक ठीक ठीक, हाँ इसके लिए हम लोग इसको पिचिंग करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर से ट्रैक। तो ये लेबर है कि और ले अपना, अभी ये यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ दिखाऊँ, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक रुकना होता है। तो देखिए ये अपना चूल्हा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ खाना भी बनाना है, इनको यहाँ रहना है, तो सारी सुविधा जोड़नी पड़ती है। तो धीरे धीरे ऐसे ही सामने देखें, वो उन लोगों ने अपने अपने चूल्हे तैयार कर चुके हैं। ये यहाँ पर चूल्हा बन रहा है इनका और ये टेंट डाल दिया है यहाँ रहने सहने का। इधर से इन्होंने मिट्टी भी डाल दी कि अगर बाई चांस बारिश आ जाए तो पानी टेंट के अंदर ना जाए और वो साइड से कट के बाहर निकल जाए। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। भाई वाह दोस्तों, यहाँ पर तो काफी अपडेट हो गई है, काफी काम हो चुका है, बहुत दूर तक पत्थर पड़ गए हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी दूरी तक ये जो ट्रैक के नीचे, जो हमारे रेलवे पटरी के नीचे पत्थर पड़े होते हैं, वो पत्थर पड़ चुके हैं, सॉलिड बेस बन चुका है। आपको मैंने दिखाया था पिछले वाली अपडेट में, तो उसमें उस टाइम तक यहाँ पर ये पोजीशन नहीं थी, यहाँ पर मट्टी डली हुई थी लेकिन पत्थर नहीं पड़े थे। और अब देखें तो बहुत दूर तक जहां तक भी नजर जाती वहां तक पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट है मेरी पहली और आज की वीडियो में। तो इस पर लगातार पत्थर पड़ते जा रहे हैं और पता नहीं इस कैमरे से दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, बहुत दूर एक ट्रक पत्थर डाल रहा है, काफी दूरी पर, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरा कहां तक कैप्चर करता है ये नहीं पता लग पाता। तो इस पे पत्थर डलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे मोदी नगर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात कि अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है, मेरा यह अपडेट पसंद आता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे मेरी ऐसी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए तो हम हैं इस टाइम मोहद्दीनपुर पर, और जैसे मैंने बताया है अभी आपको कि हमारा जो ये अपडेट है इसमें काफी चेंज आ चुका। मेरे पहले वाले अपडेट की अगर बात करें तो ये जो स्टेटमेंट और ये लॉन्चर था, ये मोहद्दीनपुर के जो ये फुट ओवर ब्रिज है सामने की, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये सामने, इसके बाद वर्क कर रहा था पीछे, काफी पीछे, लेकिन अब ये इसको क्रॉस करता हुआ आगे तक आ गया है। तो ये ऑरेंज कलर का लॉन्चर यहाँ वर्क कर रहा है,
अब आप देखिए ये वर्कर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये लॉन्चर आगे बढ़ेगा, ये तारणी 3.22 यहाँ से आगे बढ़ करके इस वाले पिलर्स पर आएगा और फिर उस वाले पिलर्स तक जाएगा, क्योंकि एक लॉन्चर जो होता है वो तीन पिलर्स से अटैच होता है। इधर है आपकी मोहद्दीनपुर शुगर मिल, ये सामने काफ़ी बिग्गेस्ट बहुत बड़े एरिया की शुगर मिल है, बहुत बड़ी शुगर मिल है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ को। आप दूर तक जहाँ तक भी नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, देखिए हम उधर ही बढ़ते हैं। तो गाइस मोहद्दीनपुर से लेकर के और मोदीनगर के बाहरी छोर पे जो गोविंदपुरी है वहां तक ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, पूरे के पूरे सेगमेंट लग चुके हैं, यानी कि एक ट्रैक बन चुका है, सिर्फ ऊपर ट्रैक बिछना बाकी है और इलेक्ट्रिक पोल लगने बाकी है। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे डिवाइडर तक बन चुका है, कहीं कहीं डिवाइडर रह रहा, नहीं तो पूरा काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है यहां। तो दोस्तों हम चलते चलते पहुंच गए हैं मोदीनगर, और अगर हम यहाँ की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफी अपडेट हो चुकी है। जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर तीन पिलर्स के ऊपर ही वर्क हो रहा था उस टाइम तक, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी खड़ा था काफी बड़ा फ्रेम बनाकर लोहे का, वो तो हट चुका है, लेकिन अब यह काम पड़ता हुआ आगे की तरफ मेरठ की तरफ को बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हर पिलर्स के ऊपर वर्क हो रहा है, और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर सामने ऊपर लॉन्चर भी वर्क कर रहा है, आप देख रहे हैं लॉन्चर ने इस दौरान बीच में सिगमेंट भी लगा दिए हैं, और यह लॉन्चर काम करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी काफी अपडेट है। और अगर हम यहाँ की बात करें दोस्तों, यह जो साइड वॉल जो स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, लोहे के स्ट्रक्चर जो खड़े हैं ये मेरे सामने, ये जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन यह स्ट्रक्चर यहाँ से हट जाएगा और रोड सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। ये तभी तक है तब तक ऊपर वर्क हो रहा है, उसके सपोर्टिंग में देने के लिए ही तब तक ही वर्क है, उसके बाद ये यहाँ से हट जाएंगे और रोड चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही हम सीकरी मोदीनगर को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ दिखाई देता है। अगर यहाँ पर काम बचा है तो सिर्फ नीचे डिवाइडर का काम बचा है, जो इन पिलरों के बीच में जो डिवाइडर बनेंगे उसका काम बचा हुआ, उस जैसे ही वो डिवाइडर बन जाएगा तो ये लोहे की जो शटरिंग लगी हुई है ये भी यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पर तो करीब करीब काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं मुरादनगर, हमारे सामने अभी जल्द ही मुरादनगर का RRTS स्टेशन आने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मुरादनगर का RRTS स्टेशन की, तो यहां पर जब मैं मेरी पहली वाली वीडियो मैंने पहला अपडेट दिया था तो उसमें सिर्फ नीचे वाले बीम ही पड़े थे, जो पिलर्स के ऊपर नीचे वाले बीम ही पड़े थे, आज डबल बीम पड़ चुके हैं, यानी कि एक तल का से दूसरे तल पर भी यहां पर काम हो रहा है। और दूसरा ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर ट्रैक के लिए सारे सेगमेंट भी लगते हुए आ रहे हैं, हाथों हाथ सेगमेंट भी लगते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कोई बीम पड़ता है बीम से ऊपर एकदम से सेगमेंट का काम भी चालू हो जाता है, जिससे जल्द से जल्द काम पूरा किया जा सके। अभी ऊपर ये जो ये लेबर से ये क्या वर्क कर रही है अभी ऊपर? वो कर रही है उसको नीचे कर रही है। अच्छा ये जो सेगमेंट है इनको नीचे कर रहे हैं, ये सेगमेंट को नीचे करके जो ये पिलर्स है इसके ऊपर टेका जा रहा है, धीरे धीरे दो दो निकाल कर डाउन कर रहे हैं। ठीक ठीक, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये सेगमेंट है तो इनको धीरे 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 बहुत धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है ये इस पे टेका जाएगा, जो ये सेगमेंट है इस पे टिकेगी। मैं आपको दिखाऊं ये लगे हुए देखे जैक, हैवी जैक, ये इस साइड का पोर्शन है, दूसरी साइड का मैं आपको अभी दिखाया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दुहाई की तरफ। दोस्तों जैसे ही हम लोग मुरादनगर छोड़कर आगे दुहाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमें काम फिर एक अच्छे लेवल पर हुआ हुआ यानी कंप्लीट हुआ हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब करीब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अगर यहाँ बिल्कुल दुहाई के नजदीक जो हमारा फेरीवेल है उसकी बात करें तो उससे थोड़ा सा पहले ही हमें कुछ पिलर कंप्लीट और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन की हालत में दिखे। दोस्तों मैं हूं इस टाइम कुंडली पलवल फेरीवेल के ऊपर, और मेरे ऊपर देखिए क्या है, मेरे ऊपर स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका है, जो हमारी RRTS जो मेरठ दिल्ली रैपिड रेल का स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके ऊपर सिर्फ ट्रैक बिछना बाकी है। तो दोस्तों मेरी पहली वीडियो जो थी, जो मेरा पहला अपडेट था, उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये अपडेट है, और जबरदस्त अपडेट है, क्योंकि तब पहले वाली वीडियो में ये यहां नहीं था। मैं आपको दिखाता हूं कि ये यहां तक पहुंच चुका है देखिए, और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको बनाने में ही कई महीने लग गए, इसको पहले साइड में तैयार किया गया। अगर आपको कुछ याद हो तो यह स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हुआ था, देखिए जो अभी एक पोर्शन खाली पड़ा है, तो पहले यहाँ पर एक स्टील का बहुत बड़ा ढांचा खड़ा था, जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर ढांचा खड़ा हुआ था,
और यह उसके ऊपर तैयार करा जा रहा था। अब इसको तैयार होने के बाद इसको आगे की तरफ सरकाया गया। जब यह सरकाया तो यह इस फेरी वेल को क्रॉस कर गया। तो अब यह यहाँ पर इसको इधर सरका दिया गया। तो दोनों रोड जो अप एंड डाउन रोड है हमारी फेरी वेल की, इसके ऊपर इसको सेट कर दिया गया। तो दोस्तों यह यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो बढ़ते हैं अगली तरफ, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ यहीं पर। तो दोस्तों जो आपको यह ट्रैक दिखाई दे रहा है, जो सामने ये डिपो में जा रहा ट्रैक, इस पर भी काफी अपडेट हो चुकी है, इस पर भी काफी काम हो चुका है। जब मैं पहले आया था तो यह इस रोड को क्रॉस नहीं कर रहा था, इस पर कहीं जगह जगह बीच बीच में ये गार्डर रखे हुए थे इन पिलरों के ऊपर, लेकिन अब यह यहां से लेकर के उधर डिपो की तरफ को पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं ये वीडियो को एडिटिंग करूं तो आपको दिखाऊं कि पहले वाले में और इस वाले में चेंज कितना है। मैं दोनों को आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि यहां पर पहले कितना था और अब कितना काम हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो फेरी वेल है, जो डाउन फेरी वेल है, इसके ऊपर भी यहाँ पर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। ये बीम पड़ चुका है और इसके ऊपर ट्रैक भी बिछ चुका है, यानी कि हमारे RRTS की पटरी भी इसके ऊपर डाली जा चुकी, बिछाई जा चुकी है। तो दोस्तों यहीं से निकलते ही थोड़ा सा आगे चलते ही आपको दिखाई देने लगेगा दुहाई का स्टेशन, RRTS दुहाई स्टेशन। और यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि देखिये यहीं पर डिपो है, यहीं से ही दो ट्रैक कटते हैं, एक ट्रैक दिल्ली मेरठ और दूसरा ट्रैक डिपो की तरफ जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट्स का। और यहां का अगर आप देखें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा अपडेट हो चुकी है। ये सब चीजें जो पहले नहीं थी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों दुहाई से निकलने के बाद जैसे ही हम गुलधर स्टेशन की तरफ को चलता है तो हमें ये महसूस होता कि यहाँ तो काम बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, चाहे इस पे आज ट्रेन का ट्रायल कर लो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर पटरी भी बिछ चुकी है इसके ऊपर, क्योंकि सबसे पहला ट्रायल यही होना है साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का, और वो इसी दिसंबर में होने वाला। तो इसके ऊपर हमारी पटरी भी बिछ चुकी है। तो दोस्तों जल्दी हम पहुंचते हैं गुलधर स्टेशन पर और हमें सामने दिखने भी लगा गुलधर स्टेशन। दोस्तों आज आपको थोड़ी वॉइस खराब लग सकती है क्योंकि कोल्ड हुआ मुझे। दोस्तों गुलधर स्टेशन वह स्टेशन है जिसके दो फ्लोर तैयार हो चुके हैं, दोनों फ्लोर का लैंडर डल चुका। तो टिकट काउंटर वाला फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है वह भी तैयार हो चुका, और उसके ऊपर जहां पर हमारा ट्रैक है, जहां पर हमारी RRTS चलेगी, वो प्लेटफॉर्म वाला फ्लोर भी तैयार हो चुका है। दोनों के लैंडर डल चुके हैं, अब बाकी है तो फिनिशिंग का काम। दोस्तों गुलधर स्टेशन अपने आप में एक बड़ा स्टेशन है, क्योंकि यह यहां पर काफी रस रहने वाला है। इसके एक तरफ राजनगर एक्सटेंशन है, बहुत बड़ा एरिया में जो कॉलोनी बसी हुई है वो है, और दूसरी तरफ यह हापुड़ क्रॉसिंग को भी कनेक्ट करता है। तो यहां पर काफी रश रहने वाला है जब हमारी RRTS चलेगी। तो दोस्तों मुझे आज गुलधर स्टेशन पर मिला है एक जबरदस्त अपडेट, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था मुझे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले फ्लोर के जो ये हमारे बीम्स पड़े हुए मिले थे, जो पिलर के ऊपर सिर्फ बीम्स पड़े हुए थे, ऊपर कोई भी वर्क नहीं था। आज इनके ऊपर लेंटर भी डल चुका, फर्स्ट फ्लोर भी तैयार हो चुका और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर भी तैयार हो चुका। और अगर आप बात करें तो सामने देखिए स्ट्रक्चर, जहां पर हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर होता है यह यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर है एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा अपडेट, पहले के मुकाबले यहां पर दिन और रात का अंतर हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर काम खत्म की तरफ अग्रसर है, बहुत जल्द यहां पर काम खत्म हो जाएगा और यहां पर आपको RRTS दौड़ती हुई दिखाई देगी। आप देख रहे हैं दूर से लेकर यहां तक पूरा का पूरा फ्रेम आप यहां पर खड़ा हो चुका है, पूरा फ्रेम। आगे आएगा राजनगर एक्सटेंशन, बढ़ते हैं हम अपने अगले सफर की तरफ। ओ भाई साहब ये क्या था दोस्तों, इस बाइक वाले की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो आप, ये हमें हाय हेलो भी करके गया था। तो दोस्तों जैसे ही हम गुलधर स्टेशन से आगे बढ़ने लगते हैं, इस टाइम है हम राजनगर एक्सटेंशन के फ्लाईओवर पर, तो इसकी हाइट बढ़ने लगती है, इन पिलरों की ऊंचाई बढ़ने लगती है, क्योंकि इस रूट का चाहे सारे सराय काले खां से लेकर के मेरठ मोदीपुरम तक का जितना ये लंबा रूट है 84 किलोमीटर का, इस रूट में सबसे ज्यादा हाइट का स्टेशन गाजियाबाद वाला है। उसकी हाइट 24 मीटर है, अराउंड 72 फीट। दोस्तों सुना आपने, अराउंड 72 फीट लग रही। और देखे सामने भाई वाह, पर्दा हट रहा है इस टाइम सामने, क्योंकि मैं मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर पहली बार आप देखेंगे गाजियाबाद का स्टेशन। तो मेरे लिए और आपके लिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी मुझे फॉलो करने वाले, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए
देखिए गाजियाबाद का स्टेशन, क्योंकि अब से पहले मैंने अपने वीडियो में ये गाजियाबाद का स्टेशन नहीं दिखाया, मैं पहले भी आया था गाजियाबाद का स्टेशन कवर करने इससे पहले वाले अपडेट में, तो मैं यहां से वापसी चला गया था क्योंकि यहां पर लग रहा था बहुत तगड़ा जाम। तो दोस्तों हाजिर आपके सामने है गाजियाबाद का RRTS स्टेशन, हमारा हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का, हमारे इंडिया का पहला रैपिड रेल प्रोजेक्ट से, जो हिंदुस्तान की पहली रैपिड रेल है उसका सबसे ऊंचाई वाला स्टेशन यानी कि गाजियाबाद का RRTS स्टेशन। और यहां पे चल रही है जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, आप देख रहे हैं दिन रात 24 घंटे यहां पर वर्क हो रहा है, यहां पर हजारों वर्कर काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़े एरिया में कवर्ड किया हुआ एरिया है। तो दोस्तों मैं खुद एक्साइटमेंट हूं, मुझे खुद एडवेंचर हो रहा है, यहां पर एडवेंचर निकल ही गया यार सब मुंह से, वही है ना पहाड़ों पे घूमना है तो एडवेंचर देखना है, तो ये सब तो मेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे खूब एडवेंचर यानी खूब रोमांचित हूं मैं इसे देख करके, और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि चल रहा है जबरदस्त वर्क और ये अपने आकार लेने लगा, ये सबसे पहले आकार ले रहा, इसका तो डिजाइन भी फाइनल होने लगा। देखिए कर्व, आप देख रहे हैं ना कर्व भी दिखाई दे रहा, जो सुंदर मेट्रो स्टेशन का जो डिजाइन होता है जब यहाँ पर ग्लास की सीट लग जाएगी तो ये स्टेशन अपने आप में कितना गजब दिखाई देगा। तो इसके सारे फ्लोर थी और सामने देखिए मेट्रो जाती हुई, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली टू गाजियाबाद मेट्रो। दोस्तों मैं इस स्टेशन को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सफल हुई, मैं पहले भी यहाँ पर आने की कोशिश करी तो मैंने जैसे आपको बताया ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं आ पाया, आज भी जाम लगा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर जाम लगा हुआ पूरा जाम है, ये मुझे यहाँ खड़े खड़े आधा पौना घंटा हो गया, बहुत चींटी की रफ्तार से सरक रहा हूं मैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा खुला है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया आज मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर के गाजियाबाद वाला स्टेशन। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें सब, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और धड़ाधड़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों वीडियो बनाना बहुत आसान है लेकिन उसको एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप ये कह सकते हैं कि भैया किसने बताया क्यों खामखा धक्के खा रहा। तो दोस्तों ये मेरा शौक है, मुझे पहाड़ में घूमने का शौक है, तो मुझे अपना प्रोजेक्ट कि हमारे यहाँ हमारे शहर में क्या नई चीज आ रही है उसको दिखाने का भी शौक है, खुद भी देखने का शौक है। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन मैं फिर कहता हूं दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।